छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। शहर के तुराब खानी गांव में अंजुमन पंजतनी तुराब खानी की तरफ से बड़ा इमाम पाड़ा जैन बिया तुराब खानी अमहट सुल्तानपुर में रात 8 बजे एक मजलिस का आयोजन किया गया। मजलिस को मौलाना सैयद साहिद हसन रिजवी मुंबई ने पढ़ी। इसके बाद सभी ताबूत हजरत इमाम जैनुल आबेदीन अस निकाला गया, जो जुलूस की शक्ल में छोटे इमाम बाड़े से होता हुआ तुराब खानी की मस्जिद पर ख़त्म किया गया, जिसमें मुकामी व बाहरी अजूमन गुंचे मजलियों फैजाबाद व अंजुमन आले एवा उस्मानपुर जलालपुर ने नोहा मातम किया। संचालन जिशान आजमी ने किया। इसके बाद सुबह 4 बजे बनी असद के काफिले की मंजर कसी की गई। दौरान जुलूस मौलाना से सिबित हसन मुंबई, मौलाना से अली रिजवन मुंबई, मौलाना सैयद काजी आजम मेहंदी जाफरी फैजाबाद ने तकरीर की। जुलूस के समाप्त होने पर आए हुए अजादारों के नाम की पर्ची निकाली गई, जिसमें दो लोगों को इराक करबला नजफ सामरा ईरान में बने मुजदस रोजों की ज्यारत कराई जाएगी। असल में ये मुहर्रम की चांदा से शुरू होता है और 8 रबीउल तक ये सिलसिला जारी रहता है, जिसमें हमारा मकसद पूरी कायनात को ये बताना होता है कि हम कल भी जुल्म के ख़िलाफ़ थे, आज भी जुल्म के ख़िलाफ़ हैं और हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ रहेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इंसानियत कायनात में बाकी रहे और इंसानियत का ही बोलबाला रहे। आपने आखिरी सजदे के ज़रिए भी यही पैगाम दिया कि हमारा मकसद ज़मीन में फसाद कायम करना नहीं बल्कि इत्तेहाद कायम करना है। इमाम हुसैन का एक ही नारा था, जियो और जीने दो, खुद भी सुकून के साथ रहा जाए और इंसानियत को भी ये तालीम दे दिया कि हमेशा सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि सुकून के साथ अगर तुम ज़िंदगी गुजारते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब है, तुम आखिरत में भी कामयाब हो, दुनिया में भी कामयाब हो, लोग भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। यही पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन अय्याम में दिया था हमें रोज़े आशूरा। उसी पैगाम को हम मुसलसल 2 महीने 8 दिन लोगों तक पहुंचाते हैं कि इमाम हुसैन का पैगाम ये है कि मुत्तहिद रहो, एक रहो, लोगों का ख्याल रखो। जिस मुल्क में रह रहे हो, खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़े आशूरा हिंद आने की ख्वाहिश की थी, हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की थी, और आपने ये भी ऐलान किया था कि हिंद वो जगह है जहां इंसानियत बाकी थी, बाकी है और बाकी रहेगी। कोशिश ये करना चाहिए हमें कि इमाम हुसैन का ये पैगाम हर सुनने वाली कान तक पहुंच जाए ताकि इंसान कामयाबी की राह पे गामजन रहे। इसके लिए मैं अपने यही संदेश देना चाहता हूं कि हम लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे दीन के बानी थे, जिनके ज़रिए से हमारा दीन अल्लाह की तरफ से हम तक आया, और इस दीन को मिटाने के लिए यजीद नामी एक शख्स, उसके बाप का नाम माविया लानतुल्लाह अलैह, उसने चाहा कि हम मोहम्मद की मेहनत को बर्बाद कर दें और अपनी हुकूमत का सिक्का जमाएं। लिहाजा उसने एक चाल चली और ये चल करके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको मैदान करबला में बुलाया, और बुलाने के बाद उनको इस तरीके से कि आज तक किसी भी कौम में ऐसा नहीं हुआ है कि उसके ऊपर पानी बन किया जाए। सबसे बड़ा सितम तो यही रहा है कि वो लोग जवान से लेकर के औरतों तक। और सुल्तानपुर से संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट।
देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए